हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इफेक्ट्स मीडिया। आपने बहुत जगह एक टेक्स्ट देखा होगा जो टेक्स्ट ग्लो करता है और काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी स्मूथ ग्लो होता है। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे कि आप स्मूथ ग्लोइंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है और कंट्रोल एन दबा कर एक नई कॉम बना लेनी है। ये आपकी नई कॉम बन गई है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड लगा है तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सॉलिड लूँगा। सॉलिड का कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक जो है वही सही लग रहा है। सो गुड, फिर कंट्रोल टी दबाएंगे कीबोर्ड पे। एक सेकंड, कंट्रोल टी, तो आपका ये कंट्रोल टी से टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, इफेक्ट्स मीडिया, ठीक है। देन आप कहीं और क्लिक करके उसको डन कर देंगे। देन कंट्रोल ऑल्ट होम दबाएंगे, सॉरी, लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट होम दबाएंगे तो आपका एंकर है वो बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर लिया है। देन अब हम चेंज करेंगे इसका कलर। कलर हम पिक करते हैं वाइट फ़िलहाल के लिए, बिकॉज पीछे ऑलरेडी ब्राउनिश है तो ब्राउन पे वाइट थोड़ा सा प्रिटी लगेगा। देन मैंने इसको कर लिया फिट एंड इसकी क्वालिटी को कर लिया है फुल। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस पर डालेंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्लगइन का यूज़ पड़ेगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक पेड प्लगइन है ऑल्दो, बट जुगाड़ से आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लगइन का नाम है डीप, तो प्लगइन का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्लगइन, इस इफेक्ट को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके पहले आपको ये प्लगइन अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इंस्टॉल करना होगा। आप इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सी ड्राइव में जाएंगे, खोल के मैं दिखा देता हूँ। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, एडोब, आफ्टर इफेक्ट्स, सपोर्ट फाइल्स, देन आपको आना है प्लगइन्स और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। आई थिंक, हाँ सॉरी, इफेक्ट वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। देख लेता हूँ मेरा, हाँ ये देखिए यहाँ पर मेरा बड़ा है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। देन आपको उस पर लाइसेंस लगाना है और वो आप पे एक्टिवेट हो जाएगा। दैट्स इट। तो फिर यहाँ पे जब आप ये करेंगे तो आपको इस तरीके, एक तो साइड साइड में ब्लैक बॉक्स दिखेगा और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो इस पर कुछ सेटिंग हमें ट्विक करनी पड़ेगी। तो वो सेटिंग ट्विक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, वो आपको चेक कर लेना है, तो ये आपका ब्लैक बॉक्स हट जाएगा। जब आपको स्मूथ ब्लेंडिंग ऑन कर लेनी है यहाँ पे, तो ब्लेंडिंग जो है उसकी स्मूथ हो जाएगी। देन हमें और कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी है। यहाँ पे इसका एक्सपोजर है, इसको अराउंड 0.5 में रखता हूँ, तो अराउंड 0.5 कर लिया। देखिए अभी ग्लो करने लगा है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स अभी प्रीव्यू कुछ अच्छे से नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो आप इफेक्ट देखते हैं काफ़ी हैवी ब्लेंडिंग होता है, तो यहाँ पे शो करता है दिस इफेक्ट्स में स्लो डाउन द रिव्यू एंड एक्सपोर्ट एस। तो थोड़ा सा अच्छा पीसी स्पेक्स भी आपका होना चाहिए। अगर आप बड़ी किसी कंपोजिशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपका थोड़ा पीसी स्पेक्स अच्छा होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल टाइम सेम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो पीसी स्पेक्स अच्छा होना चाहिए आपको। देन आप ये कर लिया, थोड़ा सा आप इसका वो रेडियस बढ़ा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपका साइड साइड में जो वो है तो अच्छा ग्लो करेगा थोड़ा सा। ये हो गया। देन आप इस पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक इफेक्ट और है, ड्रॉ शेडो, ये आपको ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स में मिलता है। या फिर वो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग ट्विक नहीं करनी है, ओपेसिटी को फुल कर देना है। डिस्टेंस को अकॉर्डिंगली मैं 15 के आसपास रखता हूँ, जिस हिसाब से मेरे टेक्स्ट का साइज़ होता है। अगर टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो और मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और छोटा है तो थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ। देन सॉफ्टनेस को 10 के अराउंड रखते हैं और देन डन। तो अब आप अभी देख सकते हैं कि बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको मेरी कॉम्पोजिशन में दिख सकता है, मैंने एक जगह पे भी यूज़ करके रखा है ऑलरेडी, तो ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लगता है इस जगह पे। एक सेकंड, मैं इसका प्रीव्यू फुल कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा टेक्स्ट लगता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से आप अपनी जगह पर मल्टीपल केस सिनेरियोज़ है जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, बेसिकली ज़्यादातर डार्क सिनेरियोज़ में अच्छा लगता है। तो बहुत ही छोटा, बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल था, तो होप सो आपको पसंद आएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे क्विक ट्यूटोरियल्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू।